हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग ऑफ ट्री के सीरीज में आज हम लोग लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रेवर्सल देखेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आपने ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया जिसमें कि हम लोगों ने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पेंट किया है, क्योंकि लेफ्ट व्यू एंड राइट व्यू ट्रेवर्सल लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का एक एक्सटेंशन है। तो जब तक आप लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं समझेंगे तो इसको समझ पाना मुश्किल है। तो एक छोटी सी वीडियो है जिसको आप जरूर देख लें इस वीडियो पे आने से पहले। तो आइए हम लोग लेवल लेफ्ट व्यू एंड राइट व्यू ट्रेवर्सल करते हैं। लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रेवर्सल का सिंपल सा मीनिंग यह है कि अगर आप ट्री को लेफ्ट की तरफ से देखें तो आपको कैसे दिखेगा। तो निश्चित रूप से आपको ट्री ऐसा दिखेगा लेफ्ट। पहले आपको 40 दिखेगा, देन 20 दिखेगा, देन 30 दिखेगा, एंड देन 100 दिखेगा। जब आप राइट से देखेंगे इस ट्री को तो राइट से आपको क्या दिखेगा, राइट से मतलब इस डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे ट्री को तो आपको कैसा दिखेगा। तो पहले आपको 40 दिख जाएगा, देन 60 दिखेगा, देन 55 दिखेगा, एंड देन 50 दिखेगा। सो ये हमारा राइट व्यू हो जाएगा। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम एक सिंपल सा मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपने जितने भी नोट्स हैं लेवल के उनको नोट डाउन कर लेते हैं। जिसका मतलब है क्या कि अगर हम लेवल मेंशन करें स्ट्री में, सो दिस इज लेवल नंबर 0, दिस इज लेवल नंबर 1, दिस इज लेवल नंबर 2, और दिस इज लेवल नंबर 3। सो लेवल नंबर 0 के जो नोट्स आपके पास है वो है 40। लेवल नंबर 1 के जो नोट्स आपके पास हैं दोज आर 20 एंड 60। लेवल नंबर 2 के जो नोट्स हैं दोज आर 30, 10, 25 एंड 55। जो लेवल नंबर 3 के जो नोट्स हैं दोज आर 100, 67 एंड 50। तो लेफ्ट व्यू में आप क्या देखेंगे कि जो नोट्स पहले नोट्स हैं इन ईच ऑफ द लेवल दोज आर एक्चुअली डिस्प्लेइंग द लेफ्ट व्यू। इट मीन्स पहले 40, देन 20, देन 30 एंड देन 100। और इसी तरह से जो लास्ट नोड है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द राइट व्यू। सो 40, 60, 55 एंड 50, 40, 60, 55 एंड 50। सो दिस इज द राइट व्यू ट्रेवर्सल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लेफ्ट व्यू या राइट व्यू चाहिए तो उस केस में हमें हर लेवल के नोट्स को कहीं स्टोर करके रखना होगा, एंड देन फाइनली हम उन लेवल के नोट्स को अगर विजुलाइज करें और पहले नोट्स को हम प्रिंट कर दें तो वो लेफ्ट व्यू हो जाएगा, और लास्ट के नोट को हम प्रिंट कर दें उस लेवल के तो वो राइट व्यू हो जाएगा। तो हम एक मेथड अडॉप्ट कर दें, एक हैश टेबल ले लें और उस हैश टेबल में हर एक लेवल के नोट्स को हम स्टोर करते चलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमारा ये ट्री है और इस ट्री में टोटल नंबर ऑफ लेवल्स 3 हैं, तो हम एक हैश टेबल ले लेते हैं और उस हैश टेबल का साइज 4 डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक हैश टेबल बना रहे हैं और इस हैश टेबल में जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 4 होंगी, 0, 1, 2 और 3। सो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 हो गई इस हैश टेबल में। तो हमें क्या करना है कि हर लेवल के नोड्स को इनमें स्टोर कर लेना है। इसलिए हमें एक चीज और जरूरत पड़ेगी कि हमें लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो हम जैसे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन करते आए हैं तो 3 फील्ड्स लेते थे नोट्स में, अब हम क्या करते हैं कि 4 फील्ड्स ले लेते हैं। एक डेटा तो है ही है, एक लेफ्ट एड्रेस फील्ड होता है, एक राइट एड्रेस फील्ड होता है। इसके साथ साथ आप लोग एक लेवल फील्ड भी ले लीजिए जो कि एक इंटीजर फील्ड है जो कि हर एक नोड के लेवल को स्टोर कराने का काम करेगा। तो चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी अननेसेसरी डिटेल्स मैं इसमें से हटा लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि हर एक नोड के लेवल को स्टोर करके रखना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो रूट नोड का लेवल है वो 0 है, जो कि हर नोड का पैरामीटर में ये लेवल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं रूट नोड के लेवल को सेट कर दूंगा और रूट नोड के लेवल को 0 कर दूंगा, और साथ ही साथ रूट नोड को जो कि 40 है मैं इंसर्ट कर दूंगा एक क्यू में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे और हमें मिल जाएगा लेफ्ट व्यू और राइट ट्रेवर्सल। क्योंकि 40 नोड का लेवल 0 है इसलिए हम 40 को 0 नंबर रो में स्टोर कर देते हैं एज ए फर्स्ट एंट्री। फिर इसके बाद हम इस 40 को डिलीट करते हैं क्यू से और 40 के लेफ्ट चाइल्ड को रेफर करते हैं। 40 का लेफ्ट चाइल्ड 20 है, जो भी 40 का लेवल होगा 20 का लेवल उससे एक ज्यादा होगा, तो 1 हो गया। 20 को हमने क्यू में इंसर्ट कर लिया और 20 को लेवल के हिसाब से, चूंकि 20 का लेवल 1 है, हैश टेबल में भी हमने 20 को स्टोर कर लिया। तो जो भी लेवल है उसी के हिसाब से हमने इसको हैश टेबल में स्टोर भी कर लिया।
सिमिलरली 40 के राइट चाइल्ड को भी हम रेफर करेंगे, और 40 के राइट चाइल्ड का जो लेवल होगा वो 40 से एक ज्यादा हो जाएगा, तो 60 नोड का भी लेवल जो है वन हो गया, इसको हमने क्यू में भी इंसर्ट कर लिया, और वन लेवल वाले एंट्री में या हैश टेबल में वन नंबर रो में इसको हमने स्टोर करा लिया जहां तक स्टोरेज हो चुका था उसके ठीक बाद। फिर इसके बाद हम 20 को डिलीट करते हैं और 20 के लेफ्ट चाइल्ड को रेफर करते हैं, तो 20 के लेफ्ट चाइल्ड का जो लेवल है वो 20 से एक ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि 20 का लेवल हो जाएगा टू, और 20 सॉरी 30 को, 30 के लेवल की हम बात करें, 30 का इंसर्शन कर देंगे हम हैश टेबल में भी और क्यू में भी। हैश टेबल में इसके लेवल के हिसाब से एंट्री कर देते हैं क्योंकि इसका लेवल टू है, इसलिए हम टू लेवल में इसकी पहली एंट्री कर देते हैं। इसके बाद 20 के राइट चाइल्ड को हम रेफर करेंगे, इसका भी जो हम लेवल सेट कर देंगे वो टू सेट कर देंगे, वन मोर देन 20, क्योंकि 20 का राइट चाइल्ड इसलिए इसका लेवल 20 से ज्यादा है। 10 को हम इंसर्ट करते हैं क्यू में और 10 को हम टू एंट्री में या टू लेवल में एंट्री करते हैं हैश टेबल में 30 के बाद। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 60 को डिलीट करते हैं और 60 के लेफ्ट राइट चाइल्ड की बात करते हैं, तो 60 का लेफ्ट चाइल्ड है 25, 25 का लेवल हो जाएगा 60 से एक ज्यादा टू, 25 को हम क्यू में इंसर्ट करते हैं और 25 को टू वाले रो में एंट्री करा लेते हैं हैश टेबल में। इसके बाद हमें 60 के राइट चाइल्ड को रेफर करना है और 60 का राइट चाइल्ड है 55, इसका लेवल हो जाएगा टू, और टू लेवल के हिसाब से हम 55 को एंट्री करा देते हैं हैश टेबल में और साथ ही साथ इसको क्यू में भी इंसर्ट करा देते हैं। फिर 30 को डिलीट करते हैं और 30 का कोई लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नहीं है, आप देख सकते हैं ना 30 का लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड, इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एंट्री नहीं है। फिर हम 10 को डिलीट करते हैं और 10 के लेफ्ट चाइल्ड है 100, जिसका लेवल हो जाएगा 3, सो 3 लेवल में हम 100 की एंट्री कराते हैं और 100 को क्यू में भी एंट्री करा देते हैं। सिमिलरली जो 10 नोड है उसका राइट चाइल्ड भी है 67, इसका भी लेवल 10 से एक ज्यादा हो जाएगा मतलब 3, तो हम 67 जो नोड है उसकी एंट्री हम 3 लेवल में कराते हैं हैश टेबल में और इसकी एंट्री हम क्यू में भी करा देते हैं। फिर हम 25 को डिलीट करते हैं, 25 पर ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड, इससे कोई भी एंट्री नहीं होगी फर्दर। 55 को डिलीट करते हैं, 55 का एक लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है 50, और इसका जो लेवल होगा वो 55 से एक ज्यादा होगा मतलब 3 लेवल, तो हम 55 को इंसर्ट करा 50 को इंसर्ट करा देते हैं लेवल नंबर 3। फिर इसके बाद 100 को डिलीट करते हैं और 100 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड, इसलिए इससे कोई फर्दर एंट्री नहीं होगी। 67 का भी ना कोई लेफ्ट चाइल्ड ना राइट चाइल्ड, इससे इससे रिलेटेड भी कोई एंट्री नहीं होगी। 50 का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है राइट चाइल्ड नहीं, और इससे रिलेटेड भी कोई एंट्री नहीं होगी, और हमारा क्यू एम्प्टी हो गया है, इसका मतलब हम लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रेवर्सल को प्रिंट करने के लिए तैयार है। लेफ्ट व्यू राइट व्यू ट्रेवर्सल कैसे प्रिंट होगा? लेफ्ट व्यू राइट व्यू ट्रेवर्सल को प्रिंट करने के लिए हमें हैश टेबल को रेफर करना है और हैश टेबल में जीरो इंडेक्स वाली जो वैल्यू होगी वो सारे के सारे मुझे लेफ्ट व्यू बताएंगे, इसका मतलब कि मुझे जीरो इंडेक्स, जीरो नंबर रो में जीरो इंडेक्स, या जीरो नंबर रो में जीरो कॉलम, वन नंबर रो में जीरो कॉलम, टू नंबर रो में जीरो कॉलम और थ्री नंबर रो में जीरो कॉलम। सो 40, 20, 30 एंड 100 इज द लेफ्ट व्यू। एंड राइट व्यू क्या होगा? हर एक रो में आपको क्या करना है, हैश टेबल के हर एक रो में लास्ट एंट्री को देखना है, तो इस रो में लास्ट एंट्री है 40, इस रो में लास्ट एंट्री है 60, सेकेंड वाले रो में या से टू नंबर रो में लास्ट एंट्री है 55, और थ्री वाले रो में लास्ट एंट्री है 50, तो इस तरह से आप प्रिंट करा देंगे एंड दिस विल बी द राइट व्यू। तो समस्या ये आएगी कि हम लास्ट एलिमेंट को कैसे रेफर करेंगे हैश टेबल। तो सबसे पहले तो हैश टेबल कैसे बनाई जाए, क्यू के बारे में तो आपको आइडिया है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से, तो हैश टेबल क्या होगा, एक एरे ऑफ वेक्टर होगा। मान लेते हैं कि हमने एच टी नाम का एक हैश टेबल लिया, इसकी साइज कितनी होगी, इसकी साइज मतलब कि ये जो एरे ऑफ वेक्टर हमारा बनेगा उसमें कितने वेक्टर्स बनेंगे, तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। जो भी ट्री की हाइट होगी लेवल मैक्सिमम लेवल भी वही होता है, तो अगर हम इस ट्री का हाइट फाइंड करें तो मुझे 3 मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 3 तक टोटल लेवल्स हैं, तो 0 से लेकर 3 लेवल, इसका मतलब क्या है कि जो हैश टेबल की साइज हमारी है वो एच प्लस वन होगी साइज में, तो हमने एच प्लस वन साइज का हैश टेबल बना लिया।
अब इसके बाद इसमें हम एंट्री करेंगे, जैसे जैसे लेवल्स मिलते रहेंगे हम पुश बैक ऑपरेशन से एंट्रीज को इसमें पुश करते रहेंगे। जब हमें पहली एंट्री को रेफर करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रो नंबर 0 की पहली एंट्री को रेफर करना, सो दिस विल बी ST00। रो नंबर 1 की पहली एंट्री क्या होगी? ST10। रो नंबर 2 की है पहली एंट्री क्या होगी? ST20। और रो नंबर 3 की जो पहली एंट्री होगी दैट विल बी ST30। लेकिन लास्ट एंट्री को हम कैसे रेफर करें? लास्ट एंट्री को भी रेफर करना बहुत ही आसान है। अगर हमने इसको माना एरे ऑफ वेक्टर और उसमें हम एक एक करके एंट्री करा रहे हैं, तो यहाँ पे 40 की एंट्री लास्ट एंट्री होगी इस वाले वेक्टर में। सिमिलरली 60 की जो एंट्री होगी वो लास्ट एंट्री होगी इस वेक्टर में, और 55 की एंट्री सेकेंड वाले वेक्टर में लास्ट एंट्री होगी, और थर्ड वाले वेक्टर में 50 की लास्ट एंट्री। तो लास्ट एंट्री का मतलब क्या है कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी हमारे वेक्टर की साइज कितनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि ST0 डॉट साइज, तो ये मुझे 1 मिलेगा। तो 1 मिलने का मतलब ये है कि ये जो भी साइज, लेट्स से एस हमें साइज बता रहा है, तो एस साइज है मतलब कि इसमें एक एंट्री है, और अगर आप हैश टेबल 0 के S-1 एंट्री को रेफर करें तो आपका लास्ट एंट्री रेफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस मिला 1, तो 1-1 0, तो इसका मतलब 0 वाली एंट्री को रेफर करें। चलिए आप 2 वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो 2 वाला जो हैश टेबल है उसके हम साइज कैसे फाइंड करेंगे? ST2.size, लेट से ये साइज मुझे एस मिल रही है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 एलिमेंट है, इसका मतलब कि एस की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे वाले का 1, नेक्स्ट का 2 और लास्ट वाले का 3। तो हमें रेफर करना है ST2 और 3 को, यही भी है हमारी लास्ट एंट्री होगी इस वाले हैश टेबल में। सो आइए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका। तो एक छोटा सा कोड है जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लिया है लेवल का, बाकी पैरामीटर्स इसके सेम है। ये हाइट का फंक्शन है, और आपको याद होगा कि हाइट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसको हम चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास एक टी नोड है और इस टी नोड की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो अगर टी नोड नल है तो हम नल रिटर्न, तो 0 रिटर्न कर देंगे। अगर वो लीफ नोड है, इसका मतलब उसका लेफ्ट और राइट नल है, तो भी हाइट 0 मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट की हाइट फाइंड कर लेते हैं, राइट की हाइट फाइंड कर लेते हैं, या गिवन नोड के लेफ्ट की हाइट और गिवन नोड के राइट की हाइट, और दोनों में जो मैक्सिमम हम फाइंड कर लेते हैं, और उसमें एक ऐड करके, मैक्सिमम में एक ऐड करके हम रिटर्न कर देते हैं। सो दिस इज दी हाइट। ये मेरा छोटा सा लेफ्ट व्यू एंड राइट व्यू का प्रोग्राम है जिसमें हमें एक क्यू लेने की जरूरत पड़ी। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था कि जो हम क्यू पिक कर रहे हैं वो क्यू हमारा स्ट्रक्चर वाला क्यू होगा, उसमें हमारे नोड्स रखे जाएंगे, इसलिए हमने क्यू का जो टाइप रखा था स्ट्रक्ट नोड स्टार रखा। फिर हमने हाइट फाइंड कर लिया, एच इज दी हाइट। हाइट फंक्शन को जो हमने कॉल किया तो इसने रूट नोड की हाइट फाइंड की, उसको हमने स्मॉल एच में स्टोर कर लिया। फिर हमें क्या करना है कि हैश टेबल बनाना है H+1 साइज का। क्यू में हमने पुश कर लिया रूट नोड को, और रूट नोड का लेवल 0 डिफाइन कर दिया। जो भी इसका रूट नोड का लेवल आया, उस लेवल वाले हैश टेबल में इस डेटा को पुश बैक करा दिया। तो क्यू में तो हम स्ट्रक्चर या नोड डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेटा वैल्यू भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें सिंपल प्रिंटिंग होगी। तो हमने पुश बैक कर दिया टी नोड के डेटा को। जब तक क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, एक नोड को डिलीट करना है क्यू से। डिलीटेड नोड का लेफ्ट चेक करना है, अगर वो लेफ्ट एग्जिस्ट उसका करता है तो लेफ्ट का लेवल सेट करना है गिवन नोड के लेवल से एक ज्यादा। आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स नोड जो डिलीट हुआ है उसके लेफ्ट का लेवल हम सेट कर रहे हैं, तो उसके लेफ्ट का जो लेवल है वो एक्स के लेवल से एक ज्यादा है। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस नोड को, मतलब कि एक्स के लेफ्ट नोड को क्यू में पुश कर दे रहे हैं, और हैश टेबल में भी इसकी एंट्री दे रहे हैं। हैश टेबल की एंट्री हम कैसे कर रहे हैं, आप देखिए हैश टेबल का नाम है ST, गिवन नोड एक्स के लेफ्ट का जो भी लेवल है उस वाले रो में हम जा रहे हैं, और इस लेफ्ट वाले नोड का जो डेटा वैल्यू है उसको हम पुश बैक कर रहे हैं। सिमिलर एक्टिविटी हम राइट के साथ कर रहे हैं कि अगर एक्स का राइट नल नहीं है
तो एक्स के राइट का लेवल सेट कर रहे हैं गिवन नोड से एक ज्यादा, इस नोड को हम क्यू में पुश कर ले रहे हैं, मतलब एक्स के राइट को, और साथ ही साथ इस नोड को हम एंट्री करा लेते हैं हैश टेबल में। तो आप देख सकते हैं कि हैश टेबल में रो नंबर है एक्स डॉट राइट डॉट लेवल, और उसमें एक्स डॉट राइट डॉट डेटा को हम पुश बैक करा ले रहे हैं। तो ये हमारी हैश टेबल बनेगी। इस हैश टेबल के बनने के बाद हमें प्रिंटिंग करानी है। तो प्रिंटिंग बड़ी आसान है लेफ्ट व्यू के लिए। लेफ्ट व्यू हमें जब प्रिंटिंग करानी है तो हमें हर एक वेक्टर के 0 कॉलम की एंट्री को प्रिंट कराना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या कर रहे हैं कि जितने भी लेवल्स है टोटल, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ लेवल्स H+1 होंगे 0 से लेके H तक। H हमारी हाइट है, तो जो हाइट है वही हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। हर एक वेक्टर के 0 कॉलम में हमें चले जाना और उसको प्रिंट करना, ये हमारा लेफ्ट व्यू ट्रैवर्सल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, राइट व्यू ट्रैवर्सल प्रिंट करना है। तो राइट व्यू ट्रैवर्सल में भी हर एक रो में जाना है हैश टेबल के, और उसमें फाइंड कर लेना है कि साइज क्या है उसकी। अगर साइज एक्स है तो हम X-1 कॉलम की एंट्री प्रिंट करा लेते हैं उस वाले वेक्टर में, तो ये हमारा राइट व्यू ट्रैवर्सल हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है लेफ्ट व्यू या राइट व्यू ट्रैवर्सल को फाइंड करना। हम एक काम करते हैं कि लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रैवर्सल को कॉल कर लेते हैं मेन से, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। आई थिंक कि लेफ्ट व्यू एंड राइट व्यू ट्रैवर्सल के बारे में एक लाइन ऑलरेडी फंक्शन प्रिंट कर रहा है, तो हमें दोबारा से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। एंड एल और स्लैश एन को आप रिपीट अल्टरनेटिवली लगा सकते हैं, C++ में अलाउड है, दोनों का मतलब है न्यू लाइन का। आइए इसको रन करके देखते हैं इस कोड को, और इसी ट्री के कोरस्पॉन्डिंग हम एंट्री करा देते हैं। तो इस ट्री का रूट नोड 40 है, 40 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, 40 का लेफ्ट है 20, 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज 30, 30 का लेफ्ट नहीं है, 30 का राइट नहीं है, 20 का राइट एग्जिस्ट करता है वो है 10, 10 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज 100, 100 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, 100 का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 10 का राइट एग्जिस्ट करता है दैट इज 67, 67 का लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, 40 का राइट है, 40 का राइट है 60, 60 का लेफ्ट है, 60 का लेफ्ट है 25, 25 का लेफ्ट नहीं राइट नहीं, 60 का राइट है, 60 का राइट है 55, 55 का लेफ्ट है दैट इज 50, 50 का लेफ्ट भी नहीं है, 50 का राइट भी नहीं है, 55 का भी राइट नहीं है। ये हमारे ट्रैवर्सल्स हैं, आप इसको वेरीफाई कीजिए। जो लेफ्ट व्यू ट्रैवर्सल है दैट इज 40, 20, 30 और 100, शायद हमने यही फाइंड किया था, लेट्स वेरीफाई इट। सो 40, 30, 40, 20, 30 एंड 100, तो ये हमारे 40, 20, 30, 100 लेफ्ट व्यू हो गए। राइट व्यू को भी वेरीफाई करते हैं, राइट व्यू हमारा है 40, 60, 55 एंड 50। सो 40, 60, 55 एंड 50 इज द राइट व्यू। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हैश टेबल का यूज करके लेफ्ट व्यू एंड राइट व्यू ट्रैवर्सल्स को प्रिंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द बॉटम व्यू एंड द टॉप व्यू ट्रैवर्सल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।